घर में अगर सब्जियां ख़त्म हो रही हैं और दाल भी खाने का मन नहीं है, तो आप ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप बना सकते हैं और बहुत ट्रेडिशनल है, यूपी की काफ़ी फेमस रेसिपी है ये मूंग दाल करल। तो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी भी रहती है, क्योंकि इसे हम बनाने वाले हैं, ये मूँग दाल है। तो ये हरी वाली जो छिलके वाली मूँग दाल होती है वो मैंने लिया है, करीब 1 कप है, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सोख करके रखा था। अच्छे से ये सोख धो चुकी है। तो इस दाल को हमें 2 पार्ट्स में पीसना है। पहले आधा पार्ट हम जार में डाल देते हैं। तो दाल का जो आधा पार्ट है, आधा पोर्शन, पहले उसको पीसेंगे। इसको मैं थोड़ा दरदरा पीसूंगी, एकदम महीन यानी एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, बस थोड़ा सा एक दो बार हम इसको चला लेंगे मिक्सी में। तो ध्यान रहे, इसको एकदम बारीक नहीं पीसना है। इसका ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो हम दरदरा दाल हमें जिस चीज़ के लिए चाहिए वो बिल्कुल अच्छे से इसकी जो टेस्ट होती है वो आए। तो दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है और इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाकी की जो बची हुई दाल है उसको मैं बिल्कुल बारीक पीसूंगी, यानी एकदम फाइन पेस्ट उसका हमें तैयार करना है। तो इसको भी हम जार में डाल देते हैं। तो पहले जो हमने दाल पीसा था उसमें हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं होगी फाइन पेस्ट बनाने के लिए पानी की। और अगर आपको लगता है कि नहीं पिस पा रही है अच्छे से, तो आप 1-2 चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल महीन दाल मैंने पीस लिया है इस तरीके से। इसको भी एक बाउल में अलग निकाल लेते हैं। अब एक मसाला इसका हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 प्याज और 1 छोटा टमाटर। टमाटर मैंने बहुत छोटा इसमें लिया है, ज़्यादा बड़ा टमाटर या ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो जो हमने दरदरी दाल पीसी थी उसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस दाल की हमें मंगोड़ियाँ बनानी है, छोटी छोटी मंगोड़ियाँ हम तल लेंगे। जो हमने बाकी जो पीसी हुई दाल रखी थी उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले जो दरदरी दाल थी उसकी हम मंगोड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो छोटी बड़ी जैसे भी आपको पसंद है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप छोटी छोटी मंगोड़ियाँ ही बनाएं इसमें। और इसीलिए हमने इसको दरदरी दाल पीसा था आधा जो, ताकि जो इसकी मंगोड़ियाँ हैं बहुत ही क्रिस्पी बने और दानेदार बने। तो दोनों तरफ से हम इसको हल्का ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो बीच में इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये जो मंगोड़ियाँ हमने बनाई है कितनी क्रिस्पी हो गई हैं, बहुत ही कुरकुरी हो गई हैं। तो जितनी कुरकुरी ये बनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा मूंग दाल करेल में। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत कुरकुरी लग रही है और इन पे हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, सुनहरी हो चुके हैं ये। बस अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी मंगोड़ियाँ हम तलकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। दरदरी दाल जो हमने पीसी थी वो इसी वजह से पीसी थी ताकि ये कुरकुरी बने। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मूंग दाल करेल बना रहे हैं तो उसमें भी ये इस तरह से कुरकुरी मंगोड़ियाँ
बनेंगी, इस तरह से भी टेस्टी लगती हैं। और मूंग दाल करेला अगर आप बना रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है, सिर्फ 2 चम्मच तेल इसमें रखा है। ये सरसों का ही तेल है जो मैंने अभी हमने इस्तेमाल किया था मूंग दाल करेला बनाने के लिए। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, तेजपत्ता और जीरा। इसको हम अच्छे से भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। तो जीरा देखिए हल्का ब्राउन होने लग गया है। और अब इसमें मसाला हम तैयार जो हमने करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि हमने प्याज लहसुन जो लिया था उसको हमने ऐसे ही एक साथ कच्चा पीसा था, तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें कच्चापन रह जाएगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे तो। थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे करीब 1 मिनट के लिए। और ये देखिए पकना शुरू हो चुका है। इसी बीच में मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च करीब 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सभी मसाले डालकर हम अच्छे से भून लेंगे इसमें और इसको एक बार और ढक देंगे। तब तक इसे पकाएंगे जब तक हमारा जो मसाले का ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए, यानी सरफेस पे ना आ जाए, तब तक इसे पका लेंगे अच्छे से। तो एक बार और ढक देती हूँ। तो मसाला देखिए अच्छे से पक चुका है, जो ऑयल है हमारा वो देखिए ऊपर आ चुका है। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने दाल पीस के रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। जो दाल का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था बारीक वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो दाल कच्ची है, इसे आप जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा है इसका टेस्ट आएगा। तो आप इसे ढककर और करीब 5 से 6 मिनट का बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लें और बीच बीच में चलाते रहें। अभी इसमें पानी कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पहले हमें दाल को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है और अच्छे से दाल को पकाना है। तो ढक देती हूँ और बीच बीच में से चलाती रहूँगी, ध्यान रखना है दाल जले ना। और इस तरह तक जब ये कंसिस्टेंसी दाल की इस तरह से हो जाए हमें तब तक पकाना है। बीच बीच में मैं चलाती रही हूँ ताकि दाल जले ना, और जब ये दाल कढ़ाई छोड़ने लगे और कुछ इस तरीके से हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। तो ये रेडी हो चुकी है दाल, अच्छे से पक चुकी है। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी भी हमें एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी इसमें ऐड करेंगे। तो जितना आपको तरी बनानी है उसके हिसाब से आप पानी डालें। वैसे इस रेसिपी की जो तरी या जो ग्रेवी रहती है वो थोड़ी थिक ही रहती है और थिक ही अच्छी लगती है। तो करीब मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाला है क्योंकि दाल जो है जब ये पकेगी तो काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उस हिसाब से हम पानी को इसमें एडजस्ट करेंगे और ढक लेंगे। करीब 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकाया है और ये देखिए दाल में अच्छी खासी थिकनेस आ चुकी है और इसमें उबाल भी आ चुका है। अब इसमें हम मूंग दाल की जो मंगोड़ियाँ हमने बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसको ढककर करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका देंगे ताकि मंगोड़ियाँ अच्छे से इसमें पक जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। और 2 से 3 मिनट बाद देखिए जो दाल है हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, बहुत अच्छी थिकनेस आ चुकी है और इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो ये हमारी मूंग दाल करेल बनकर बिल्कुल रेडी है और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। मूंग दाल करेल बनकर रेडी है। घर में कभी कोई सब्जी ना बची हो या फिर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा हो तो या आप ये ट्रेडिशनल यूपी की रेसिपी बना सकते हैं मूंग दाल करेल। रोटी, चपाती, राइस या फिर परांठे,
ट्राई, ये बहुत अच्छे लगते हैं इनके साथ। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें जब भी आप इसे ट्राई करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।